स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पे। हम लोग बाहर निकले हैं, थोड़ा विश्राम है। हम हैं, मेरा बाबू है उधर पेट्रोल पंप पे तेल ले रहा है, अभी आ रहा है। तो हम लोग निकले हुए हैं, कुछ शॉपिंग बाज़ार करना था क्योंकि मुझको कहीं जाना है शनिवार को, तो इसके लिए कहें कपड़ा उपड़ा ले ले। तबीयत नहीं ठीक है, ठीक रहेगी तभी जाएंगे, नहीं नहीं जाएंगे। सामने सब ट्रक खड़ी हैं, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। ये देखें बाबू मेरा आ रहा है। उसके आने से पहले मुझको वीडियो बंद करना पड़ेगा क्योंकि उसको ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है कि कहीं इधर उधर रुक के वीडियो बनाई जाए, तो मुझको बंद ही करना पड़ेगा। देखें आप लोग कितना बढ़िया दिख रहा है इधर का लोकेशन। घर से बाहर निकलते तो सोचते हैं कम ये भी हो जाए, थोड़ा और आगे निकल लें, कुछ वीडियो वीडियो बना लें, कुछ आप लोग को अच्छा बुरा दिखा दें। अपनी सोच तो यही होती है, आप लोग को खुश करना होता है अपने तरीके से, क्योंकि ब्लॉगिंग में रोज़ रोज़ का दाल चावल घर का खिर्चा मिर्चा कितना कोई दिखाएगा। इधर से ही अपने मायके भी जाते हैं। तबीयत मेरी नहीं सही है, मैं भाग गया बाबू, मैं चलती हूँ, अभी गुस्सा होगा। क्यों ना छोटा सा वीडियो शूट करूं। बाबू मेरा वहाँ सामने खड़ा है, देखो लोग मछली पकड़ रहे हैं, उनको कैसे कैमरे में लाएं। एक मिनट मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूँ कि मछली कैसे मिट्टी में से लोग मछली पकड़ रहे हैं। वैसे इसमें आ रहा है थोड़ा सा, ये सामने देखो, ये पीछे मैं बैक कैमरे से दिखाऊं तो आ ही जाए। हेलो, तीन चार लड़के हैं मछली पकड़ रहे हैं। अब देखिए ये मैंने जूम कर दिया है, ये सब ऐसे बाइक किनारे यहीं लगाए हैं, ये देखिए बाइक लगाए हैं और ये मछली पकड़ रहे हैं। छोटे छोटे हैं, एक छोटा है, दो बड़े बड़े हैं। वो एक लड़का है उसको हम पहचानते हैं, हमारे यहाँ स्कूल है, स्कूल के पास उसका घर है, इसीलिए रुक गए। पानी में डूब गया, जो पानी में नहा रहा है वो मेरे गांव का ही है, गांव का नहीं है मतलब चौराहे पे का है। मुझको तो यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ तक ये सब आए हैं मछली के लिए। वो रेड कलर की टी शर्ट पहन के जो नहा रहा है वो है मेरे यहाँ का ही। ये देखें कितना सुंदर है, अपने हिसाब से ब्लॉग बना रही हूँ। बाहर निकल रही हूँ किसी काम से, तो
मैं ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ कि आप लोग को कुछ नया दिखाया जाए। ये देखिए, कुछ दिन पहले हम यहाँ आए थे, ये पूरा पानी से भरा था, ये सब पानी पानी चारों तरफ। ये पेड़ जो वहाँ, ये पेड़ सामने रखा है, जो इसका चबूतरा टाइप में बना है ना एकदम सामने, ये एकदम पानी में थोड़ा सा दिख रहा था, इतना ज़्यादा पानी भरा था इसमें। देखो इस साइड का, इस साइड कुछ खास नहीं है, बस ऐसे पेड़ पाल पौधे लगे हैं, इधर छोटे छोटे बच्चे अपना काम कर रहे हैं। यही है, ये देखिए, जब मैं घर से निकलती हूँ तो सोचती हूँ कुछ मतलब अपने काम का भी कर लूँ। ये देखिए, ये बैक कैमरे से, अब मैं सामने के कैमरे से दिखा रही हूँ। ये रास्ता मेरे मायके जाता है सीधा, तो कमेंट में बताएंगे जरूर। अब चल रहे हैं घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, आओ आओ तुम भी, छोटू है नहीं आ रहा है। गाइस मैं घर आ चुकी हूँ, तबीयत वही है, दवाई ववाई नहीं ले पाई हूँ, गई तो थी मैं, जो सामान लेने मैं गई हूँ वो सामान नहीं ले पाई हूँ। मैं गई थी किसी को कुछ गिफ्ट देना था, वो हमको नहीं मिला हिसाब किताब, घर गृहस्थी अपना लेके चले आए, एक छिलनी लिए हैं और क्या लिए, दिखाते जा रहे हैं आपको। ये स्क्रब लिए हैं, ये बच्चों के लिए सेवई ले लिए हैं और दिखा रहे हैं। एक बहुत सस्ता सामान, एक दुकान खुली है, अब पहले मैं इसको यूज़ कर लूँ तब दुकान का पता। ये कंगन, हर जगह ये कंगन 100 रुपए मिलते हैं, हालांकि दुकान वाला भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, कहीं देखे ना, नहीं तो कहेगा कि ये तो 100 रुपए, तब सबको 100 रुपए दे, लेकिन ये हमको 45 में मिला है। अब इसमें का 2-4 और लाना है, और दिखा रहे हैं क्या लाए हैं। मैं छोले में जो सामान लाई हूँ, ये मेरे पास मिर्चा नहीं था, ये वाला पाउडर लाए हैं, ये भी स्क्रब ही है, ये छोटू अपने लिए लिया है, और ये नमकीन, बस और कुछ नहीं है। और ये एकदम खाली बैग है, ये नेल पेंट है 2 ठो, मैं जिस सामान के लिए गई थी वो नहीं ले पाई, इसी सब में पैसा मेरा खर्चा होगा। मतलब कपड़े लेने के लिए गई थी तो कपड़े मुझे नहीं समझ में आए, आने पे मैं वही जल्दी जल्दी काम इधर उधर करके तब मैं कही कि वीडियो को पहले समाप्त कर दूँ उसके बाद। और हाँ, एक चीज़ छोटू जी अपने लिए लिए हैं, ये वो दूध पीते हैं तो बिना इसके दूध नहीं पी पाते हैं, तो ये भी लिए हैं, बाकी तो सब कुछ स्पेशल नहीं है, यही सामान है। ये तो इसका भी है, तो प्लीज़ चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, वीडियो देखें। मेरी तबीयत नहीं सही है, आवाज़ से ही पता चल रहा होगा, बुखार बहुत तेज़ थी, यहाँ से ज़्यादा टाइम रेनू के यहाँ रुके हैं, दवाई लिए हैं, खाए हैं, फिर आगे बढ़े हैं, फिर आगे क्या बढ़े, जैसे रेनू दरवाजे के पास गए, वैसे एक है टिंकू भैया, वो और छोटू कहीं गए थे, वो लोग आ रहे थे, रेनू के दरवाजे पर ही वो लोग मिल गए, तो देव और टिंकू भैया चले आए, हम छोटू गए शॉपिंग किए करके घर आए, तो यही सारी बातें हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में, कल के ब्लॉग में, चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बाय, वीडियो को शेयर करें।